So, कब से प्रॉब्लम है ये? ये था लगभग 8th से, जब 8th स्टैंडर्ड में था तभी। ओके। So, क्या मेन दिक्कत आती थी जो अपने ये? मतलब बचपन में तो टी शर्ट निकाल के लेने को नहीं होता था। okay. जैसे फुटबॉल खेलने का शौक था। फुटबॉल में एक रूल रहता है, मतलब एक टीम जर्सी निकाल के खेलेगी, एक टीम ऐसे खेलेगी, तो जर्सी निकालने को जमता ही नहीं था। okay. तो वो एक इशू था। फिर जिम में गया तो फिर जिम में भी लोग बोलते थे कि कैसे मतलब अजीब सा दिख रहा है, कोई बोलता था स्टेरॉइड्स वगैरह लिया है क्या नहीं, ये पूछते थे। तो वो तो कभी किया नहीं था। और फिर कोई अच्छे थे ट्रेनर्स, तो उन्होंने बताया कि इसको गायनेकोमास्टी ऐसा बोलते हैं। तो उन्होंने भी मतलब सलाह तो यही दी थी, ये वर्कआउट ही कर। मैं लगभग 102 सूर्य नमस्कार वगैरह भी मारता था। तो ऊपर का पोर्शन तो एकदम प्रॉपर हो जाता पेट, और नीचे का पोर्शन कभी नहीं होता था। सब कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर लिया ही गया। फिर ये पता कैसे चला कि ये जो है गायनेकोमेस्टिया, तो उसका सर्जरी? जो ट्रेनर ने बताया ना, वो वर्ड बताता गायनेकोमेस्टिया। okay. तो मैंने सर्च किया वो। okay. तो वो सर्च करते 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 पता चला कि ये एक ही सॉल्यूशन है, इसका ऑपरेशन ही करना पड़ता है। तो फिर यूट्यूब पे गया, फिर आपके वीडियोस देखे मैंने, तो फिर देखते 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 बहुत देख लिया मैंने वीडियो, समझ आ गया कि सर्जरी ही इसका ऑप्शन। सर ये हमने मार्किंग किया है, यहाँ से जो है हम एंट्री करेंगे इस साइड में, यहाँ से करेंगे यहाँ तक हम फैट रिमूव करेंगे, ठीक है। ये जो है ये पोर्शन ग्लैंड और टिश्यू है, सो इसको हम रिमूव कर देंगे। तो दोनों ये रिमूव हो जाएंगे, देखिए ग्लैंड है, ये ग्लैंड है, ये फैट है, दोनों रिमूव हो जाएंगे, तो ये परफेक्ट शेप हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हमने सर्जरी स्टार्ट करें। डबल रिजल्ट, इस तरह से हमने सर्जरी कंप्लीट की, कंप्लीट फैट प्लस ग्लैंड रिमूवल, ये रीजन से कंप्लीट डिफाइन किया है, एंड दिस इज हाउ इट इज लुकिंग ऑन टेबल। सो अराउंड 1 लीटर फैट एंड ये ग्लैंड, ग्लैंड और टिश्यू जो हमने रिमूव किया,